हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इंस्टेंट रवा डोसा। इंस्टेंट यानी कि आपका जब भी मन करे तो आप ये जो रवा डोसा है उसे बना के खा सकते हो। नहीं तो जो और डोसे हम बनाते हैं उसमें हमें बैटर को पहले से एक रात भर, जैसे दाल है या चावल है, उन्हें भिगो के रखना पड़ता है, तब हम दूसरे दिन उसको डोसा बना के रेडी कर सकते हैं। लेकिन रवा डोसा का क्या है कि आपको इसको जब भी आपका मन करे आप बना के खा सकते हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक कटोरी ये रवा लिया है यानी कि सूजी, और उसको मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया है बिल्कुल पतला। ये देखिए, बिल्कुल पतला पाउडर की तरह बना लिया है। इसके अलावा ये देखिए, मैंने दो बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है, और दो बड़े चम्मच ही मैंने आटा लिया है, आम जो नॉर्मल आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। और जितना मैंने ये सूजी ली है उतना ही मैंने दही लिया है। और उसके अलावा ये देखिए, एक चम्मच मैंने चीनी ली है, और ये देखिए, एक छोटा टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और एक बड़ा स्पून मैंने जीरा लिया है। उसके अलावा ये एक बड़ा प्याज मैंने रफली काट लिया है, और इतना सा मैंने अदरक को ये देखिए ग्रेट कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। आज इसको आप सिंपल भी बना सकते हो। अगर ये सामान आप नहीं डालना चाहते, डोसे को चटनी के साथ खाना चाहते हो, तो आप ये वाली चीज़ मत डालिए। तो ये वाली तो ओनली इन सब बैटर से आप सामान सिंपल डोसा बना के रेडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो चटनी के साथ या आलू की सब्जी के साथ नहीं खाना चाहते, तो आप ये वाला प्याज या हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के भी बना सकते हो। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें सबसे पहले मैं ये देखिए सूजी डाल दूंगी। ये देखिए, सूजी को हमने इस बड़े बर्तन में डाल लिया है, और मैं इसी के साथ ही जो चावल का आटा हमने ले रखा है उसे भी डाल दूंगी। ये नॉर्मल आटा, क्वांटिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही बनाओगे तो आपका डोसा भी वैसे ही क्रिस्पी बनेगा जैसा हम लोग बनाने वाले हैं। ये लीजिए, अब इसी के साथ ये देखिए, पहले मैं क्या करूँगी, दही नहीं डालूँगी, पहले मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। ये देखिए, एक और ये आधा, डेढ़, ये टीस्पून है मेरे पास छोटे वाला, इसलिए मैंने इतना डाला है। आपके पास एक है तो आप उसमें, अगर बड़े वाला स्पून है तो आप एक ही डालिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये देखिए, आपने देखा होगा ये ऑयल मैंने गर्म करके रखा है, ये देखिए फ्लेम पे। अब मैं पहले दो बड़े चम्मच ऑयल है, पहले मैं इसमें ये डाल दूंगी। ये देखिए, और ये ऑयल डाल दूंगा। अब मैं इसके रिस्कर के साथ करें इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह इन तीनों चीज़ों में मिक्स हो जाए। उसके बाद ही बाकी सामान है जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके बीच में ये देखिए दही जो हमने लिया है, जितनी आपने सूजी ली है उतना ही आपको दही लेना है। ये देखिए, अब इसी के साथ ही ये चीनी मैंने एक स्पून लिया है, और ये हमारा जीरा, काली मिर्च, और इसी के साथ ही ये सामान जो हमने ले रखा है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप सिंपल डोसा बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। नॉर्मल दही, सूजी और चावल का आटा और नमक मिला के, जैसे नॉर्मल आटा लगा के आप सिंपल डोसा बना सकते हो। लेकिन हम लोग इसको आलू की सब्जी के साथ नहीं खाने वाले, इसलिए इसको ऐसे ही खाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें इसमें ऐड की हैं। ये देखिए, अब मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने एक कटोरी सूजी ली है, तो डेढ़ कप कटोरी पानी डालना है। ये देखिए, धीरे धीरे पानी डालते हुए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए, ऐसे इसको आराम से आपको धीरे धीरे मिक्स करना है। ये देखिए, रिस्कर के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए, ये कड़छी इसमें डाल दूँगी। मैंने एक गिलास इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें, ये देखिए, अभी भी हमारा बैटर गाढ़ा है, अभी मैं इसमें आधा गिलास और डाल रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एक कप सूजी ले रहे हैं तो उसमें हमें डेढ़ कप पानी डालना होगा। ये देखिए, अभी मैं इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये देखिए,
मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। अब हमारा जो बैटर है वो ऐसे है। अभी हमें इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना होगा। 10 मिनट के बाद हम इसके डोसे बनाने शुरू करेंगे। अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। ये लीजिए हमारा जो बैटर है उसे रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अब मैं इसमें ये देखिए इनो फ्रूट सैल्ट ये देखिए 1/4 ये डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। अब आप देख सकते हो मैंने तवा भी रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ये देखिए इतना सा, और इसको मैं ये देखिए टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दूंगी। ये देखिए ऐसे। अब मैं थोड़ा सा तवे को गर्म होने देते हैं। ये देखिए हमारा जो तवा है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी और फिर टिश्यू पेपर से इसको अच्छी तरह ये देखिए ऐसे ऐसे साफ कर दूंगी। ये देखिए सारा पानी मैंने उठा दिया है। अब मैं जो हमारा बैटर है ये देखिए ये इसकी करछी की हेल्प से ये इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह आपको ये दूसरे डोसे की तरह आप करछी से इसको घुमा नहीं सकते क्योंकि इसमें हमने प्याज वगैरह डाल रखे हैं। इसको इसको आपको हल्के हाथ से ही ऐसे ये देखिए हल्के हाथ से ही ऐसे फैलाना है। ये देखिए ऐसे, अगर आप इसको ये देखिए ये ऐसे और पतला करना चाहते हैं तो आपको इसको और पतला करके बना सकते हैं। ये देखिए अब पहले हम इसको इस साइड से सिकने देंगे। ये देखिए हमारा जो डोसा है वो एक साइड से सिक चुका है। अब इसके ऊपर ये देखिए मैंने ये ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा जो ऑयल है वो स्प्रिंकल कर दिया है। ये देखिए ये ऊपर आपको देख ही रहा होगा कि ऊपर से अच्छी तरह ये सिक चुका है। अब हम इसको ये देखिए यहाँ से ये देखिए हमारा जो डोसा है वो अच्छी तरह नीचे से सिक चुका है। अब हम इसको ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। अब मैं उठा के इसको देखिए प्लेट में रख देती हूँ। अब हम अपना दूसरा डोसा भी ऐसे ही बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैं फिर इस पर पानी ऐसे स्प्रिंकल करूँगी और फिर वही ये देखिए टिश्यू पेपर के साथ इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। ये देखिए जो पानी है इसका सोख लेना है। ये देखिए जब भी आप बैटर को डालना है पहले उसको अच्छी तरह से हिलाना है। ये देखिए हिला लिया। अब उसके बाद अब हम बैटर को इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से डालिए। ये देखिए आप करछी के साथ इसको ऐसे जितना बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो। ये देखिए ऐसे हल्के हाथ से दबाइए। मैंने पहले ही वक्त बताया है आपको कि इसमें हमने प्याज डाले हैं तो नहीं तो वो फट जाएगा वहाँ से। ये देखिए ऐसे ये देखिए हमारा जो दूसरा डोसा है वो भी अच्छी तरह सिक के रेडी हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसको पलटी कर दूँगी। ये देखिए हमारा जो क्रिस्पी डोसा बन के ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है। ये बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारे इंस्टेंट रवा डोसा बन के रेडी हो चुके हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो। अगर आप चटनी के साथ खाना चाहते हो तो चटनी के साथ भी खा सकते हो। और अगर आपका मन इसको मूंगफली वाली चटनी के साथ खाने को करता है तो वैसे भी खा सकते हो। लेकिन ये ऐसे भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट रवा डोसा की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।